हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ स्टॉक्स मैंने ख़रीदे थे सुबह। कोल इंडिया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो है, एनटीपीसी है, अडानी एंटरप्राइजेस और डॉक्टर रेड्डी। तो ये जो स्टॉक्स है इनका एक साल का जो रिटर्न मैंने देखा है, द परसेंटेज आरओआई परसेंटेज, वो अच्छा था, इसलिए ये स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। और ये स्टॉक्स पहले भी मैंने लेके रखे हैं तो इसमें अच्छा मुझे रिटर्न मिला है। तो आज मार्केट गिर गया था तो सारे स्टॉक्स रेड में थे और प्राइस भी कम था, इसलिए मैंने ये स्टॉक्स उठाए हैं। यहाँ पे मैंने अपने कैपिटल के अनुसार जितनी क्वांटिटीज़ बैठती है उतनी मैंने ली है। तो आप देख सकते हो कि 5, 5, 6, 5, 2, 1 ऐसी क्वांटिटी मैंने ली है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो, थोड़ा भी रहे तो आप थोड़े थोड़े लो और ऐसे इन्वेस्टमेंट आप रखो और उसको बढ़ने दो, उस स्टॉक्स को, उसका मतलब प्रॉफिट बढ़ने दो। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हुई है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि उसमें पॉइंट्स थोड़े जल्दी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था। तो बहुत से लोगों को एक्सपायरी इसलिए पसंद आता है क्योंकि आप एक लॉट से भी पैसा बना सकते हो, क्योंकि मार्केट अच्छे पॉइंट्स देता है, बट रिस्की रहता है। अगर ट्रेड गलत गया तो उतना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो सुबह मैंने देखा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, बुलिश है, तो मैंने 9:30 तक एंट्री नहीं किया। उसके बाद मैंने पहले मोबाइल में देखा था, उसके बाद फिर मैंने लॉगिन किया तो 10 बजे तक मैंने एंट्री नहीं लिया। 10 बजे मैंने एंट्री लिया क्योंकि 9:15 से 10 बजे तक बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा सकता है और थोड़ा रिस्क रहता है। तो सेफ रहता है कि आप 10 बजे ट्रेड करो। तो 10 बजे फिर मैंने ट्रेड किया और वहाँ पर पहले तो मेरा जो ट्रेड था वो माइनस में आया था और वहाँ पर 700 रुपये माइनस में दिखा रहा था क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी मैंने होल्ड किया क्योंकि मेरा व्यू ऊपर की साइड का था। तो होल्ड करने के बाद फिर ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा। फिर मैंने वहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड कर दी, मतलब पहले एक ही लॉट लिया था फिर और एक लॉट ऐड कर, पहले 2 लॉट लिए थे फिर और एक लॉट ऐड किया, तो टोटल मेरी 45 क्वांटिटीज़ हो गई थी। फिर 45 क्वांटिटीज़ में मैंने एक स्कैल्पिंग की वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे 1000 के ऊपर मिले थे। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड स्कैल्पिंग की और थर्ड स्कैल्पिंग में मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। पी साइड में मैंने ट्रेड लिया। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब भी आप पी साइड में लेते हो और मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, बुलिश वाला है, तो पी साइड में ऐसा होता है कि जब मार्केट काफ़ी देर तक ऊपर जा रहा है और सडनली एक लाल कैंडल आती है तो आपको लगता है कि अभी पी साइड का ट्रेड है और वहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है काफ़ी टाइम तक। तो अगर आप ऐसे ट्रेड में घुसते हो तो वहाँ पर क्या है कि सडनली रिवर्सल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो जो लाल कैंडल बहुत दिन टाइम तक सस्टेन कर रही थी तो आपको ऐसा लगता है कि अभी बेरिश है मार्केट, बट सडनली वो चेंज होता है। कभी कभी जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जैसे EMA 9, EMA 21 या 20, तो उस इंडिकेटर्स के ऊपर भी प्रीमियम चार्ट की कैंडल आए फिर भी मार्केट वहाँ से भी रिवर्सल दे सकता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कंफर्मेशन आया था फिर भी वहाँ पर मेरा लॉस आया, तो वहाँ पर करीबन 705 रुपये का मेरा लॉस हो गया पी ट्रेड में। और फिर जब आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप फिर कॉल में जाते हो, पुट से कॉल, कॉल से पुट जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सही एंट्री करना है, डायरेक्ट स्विचिंग नहीं करना है, पुट से कॉल और कॉल से पुट नहीं करना है। तो मेरा आज का ऐसा टारगेट था कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगी क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बहुत नुकसान होते हैं, जो भी प्रॉफिट आ जाता है सब सब निकल जाता है।
तो ओवर रीडिंग नहीं करना था, थोड़ा सा अभी मैं काम कर रही हूँ डिसिप्लिन बनाने का, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है डिसिप्लिन बनाना मार्केट में। तो मैंने फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं किया और मेरा जो प्रॉफिट, और उसके बाद मैंने कॉल साइड का और एक ट्रेड लिया था तो उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने फिर 3,000 पे क्लोज़ किया है दिन। तो यहाँ पर मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की और ऐसा ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी लॉस होता है तो फिर मैं थोड़ा सा बुरा लगता है, कैपिटल थोड़ा कम हो जाता है। तो जो चीज़ मैंने अब तक फॉलो नहीं की है वो डिसिप्लिन, वो अभी मैं सोच रही हूँ फॉलो करने का। तो कल से फिर मैं सेम जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करूँगी और देखती हूँ 1 मंथ में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस आज का था, वो मैं आपको बताना चाहती थी। और मैं आपको चार्ट में भी थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, पर चार्ट में भी आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए चार्ट में आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सारे लेवल्स निकाल के रखे थे, इसलिए आप देख सकते हो कितने सारे लेवल्स निकाल के रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मार्केट था, बट सडनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बड़ी कैंडल जो आप देख रहे हो, नॉर्मली 10:30 से 11:30 रेंज बाउंड रहता है, साइडवेज मार्केट रहता है। तो वो टाइम ऐसा रहता है कि उस टाइम पे आप ट्रेड ना करो, नो ट्रेडिंग जोन भी हम कह सकते। पर आज क्या हुआ, 11 बजे कैंडल आई बहुत बड़ी, तो बहुत अच्छा मोमेंटम उसने दिया था। और फिर भी जो डिसिप्लिन बनाया था उसके हिसाब से नहीं लिया। पर अगर आप नहीं लेते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप कंप्यूटर के सामने ऑब्जर्व करते हो मार्केट को, तो जहाँ मौका मिला वहाँ पे आपने कैप्चर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो कैंडल थी इसके ऊपर मैंने ट्रेड नहीं लिया। फिर आप देख सकते हो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं, और जो इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो है 9 और 21 EMA, 20 EMA। और आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन छोटी छोटी कैंडल्स है वो ऊपर ही है 9 EMA के। तो जब ऊपर रहता है तो सेफ रहता है और बुलिश व्यू रहता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू था आज का। आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर जंप मारा है। तो इसी तरह से आपको लेवल्स बनाने हैं, और ये जो नीचे आप देख सकते हो वो RSI है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि RSI में काफ़ी हद तक ग्रीन कैंडल्स हैं, मतलब बुलिश है मार्केट। तो मार्केट रोज़ तो बुलिश नहीं रहता है, और मार्केट में रोज़ पैसा नहीं बनता है, पैसा बस मार्केट में 2 या 3 दिन बनेगा, 2 ही दिन बनेगा, बाकी 3 दिन बहुत ख़तरनाक होते। अगर साइडवेज मार्केट है तो आप अवॉइड करिए, पैसा मत गवाइए, ऑप्शंस में नुकसान बहुत होता है। तो डिसिप्लिन के साथ काम करिए, और जब भी ट्रेंडिंग होता है मार्केट तब आप एंट्री ज़रूर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।